वेलकम टू माय चैनल भारतीय लाइफस्टाइल विद कुकिंग। तो आज मैं चिकन टिक्का बनाने जा रही हूँ, या फिर चिकन कटलेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है 250 ग्राम, और इसे हमें ग्राइंड करना है रफली, ज़्यादा सॉफ्ट ग्राइंड नहीं करना है, इसे दरदरा पीसना है हमें। चिकन को थोड़ा रफली ग्राइंड करना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है हमें। और इसे एक बार मिक्स कर लीजिए। इसके अंदर मैंने एक प्याज डाला है, उसे भी रफली चॉप कर लीजिए। उसी में देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए। और इसे एक बाउल में ले लीजिए। इसके अंदर दो बड़े चम्मच बेसन डाला है, और एक चम्मच कॉर्नफ्लोर और आरू पाउडर डालना है। इसमें एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच मिर्च पाउडर, या फिर अपने स्वाद के अनुसार आप ऐड कर सकते हो, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डालना है 2 बड़े साइज प्याज बारीक कटा हुआ। पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन में मॉइस्चर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए। अगर ये थोड़ा ज़्यादा लूज़ हो तो आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हो, और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ दीजिए। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है। अब हम इस चिकन को कटलेट के शेप में फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है। इस तरह से कटलेट के शेप में बना के इसमें फ्राई कर देना है। 2 मिनट के बाद इसे पलट लीजिए दूसरे साइड भी, हमें गोल्डन ब्राउन आने तक पकाना है। पलटने के बाद 2 मिनट वेट कीजिए। दो मिनट के बाद इसे फिर से हिला लीजिए। देखिए ये गोल्डन कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर, इसे पकाना है। एक बार स्पून से इस तरह से प्रेस करके देखिए कि ये क्रिस्पीनेस है कि नहीं। अगर क्रिस्पी फील हुआ इसका मतलब ये पक चुका है। तो ये क्रिस्पी हो चुके हैं, तो हम इस टिक्के को निकाल लेते हैं। इसी तरह मैं और बना रही हूँ चिकन टिक्का, सेम वही प्रोसेस करना है आपको। अगर चिकन आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा हाथ में पानी लगाकर चिकन टिक्का शेप देकर फ्राई कर सकते हैं, चिपकेगा नहीं बिल्कुल। तो देखिए ये गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसी तरह दोनों साइड हमें गोल्डन ब्राउन आने तक पकाना है। इसे पकने में करीब 5 मिनट लग जाते हैं, और फ्लेम को स्लो मीडियम में नहीं, स्लो में ही रखना है फ्लेम को। धीमी आंच पर ही हमें इसे पकाना है। तो हमारे चिकन टिक्का यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, आप गार्निश कर सकते हैं। तो ये रहा गोल्डन कलर के चिकन टिक्का। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।